आप कितनी क्रिकेट जानते हैं और आप क्रिकेट के लिए क्या कर सकते हैं, इसे दिखाने की यह बेहतरीन प्लेटफॉर्म। और इस बार क्या शानदार गेंद, वाह भाई वाह, शाहनवाज जैसे खिलाड़ी को इस तरह से चौंकाना निश्चित रूप से कोई आसान काम नहीं है। मुजीब इसीलिए महारथियों में माने जाते हैं, इसलिए बड़े दर्जा के खिलाड़ियों में माने जाते हैं मुजीब द्वारा। गोरी यंग बॉयज पांडेश्वरा, अभी अभी पिछले एतवार के दिन खत्म हुए मैच, लगातार चार दिन के बड़े से एक ऐतिहासिक प्रतियोगिता बनाए थे गोरी यंग बॉयज पांडेश्वरा ने, एनएम मैंगलोर चैंपियन के रूप पर निकल आए, केएफसी कृष्णापुरा रनर्स के स्थान पर संतृप्त बने थे। दोनों टीम बराबर के अभिमानियों की एक फौज है, एनएफसी केएफसी कृष्णापुरा हो या एनएम मैंगलोर, दोनों टीमों के ऊपर बहुत ही बड़ी निरीक्षा रखते हैं दर्शक भी। जब भी किसी प्रतियोगिता में ये दो टीम नजर आते हैं तो निश्चित रूप से उस मैच को देखने के लिए दर्शक अपने वक्त निकाल कर खड़े होते हैं मैदान में या यूट्यूब के सामने। मुझे फिर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, विकेट के सफलता के बाद नए खिलाड़ी मुबीन के खिलाफ गेंदबाजी करना होगा यहां पर मुजीब। और इस बार भी क्या शानदार गेंद यहां पर, क्या गुमावट दिखी पिछली गेंद पर, बल्लेबाज तो पूरी तरह से चौंक चुके हैं यहां पर एनएमसी कुंपर मजल के बल्लेबाज। मुबीन को पूरी तरह से चौंकाते हुए लगातार दोनों गेंदों पर विकेट हासिल की है मुजीब ने यहां पर, हैट्रिक के मौका, एसएफसी ट्रॉफी 2021 पर पहली मौका प्राप्त हो रहे हैं मुजीब को हैट्रिक पाने की। सुरेश अन्ना के याद निश्चित रूप से हमें बार बार आते हैं, जो गोरी यंग बॉयज के पीछे एक ऐसे मजबूत फिल्लर बनकर खड़े थे। दुर्भाग्यवशात आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी याद जब भी गोरी देखते हैं दर्शक मैदान में तो निश्चित रूप से वो सुरेश अन्ना की याद बार बार आ जाते हैं दर्शकों को, तो उनकी आशीर्वाद हमेशा जुड़े रहेंगे गोरी यंग बॉयज के बाद। यहां पर एनएमसी कुंपर मजल इस गोरी यंग बॉयज के खिलाफ लड़ने की पूरी तैयारी के साथ उतरे थे, लेकिन शुरुआत के दो विकेट गिरे। और इस बार भी क्या शानदार, तालियों के हकदार, हैट्रिक के हकदार बने यहां पर, निश्चित रूप से काबिले तारीफ। इरफान तैयार होंगे अब अपने कैमरा को लेकर मुजीब की इस लाजवाब पराक्रम के हिस्से को, उस किस्सा को निकालते हुए। अब तो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो या फेसबुक, सामाजिक जाल तारों में अब तो जरूर वायरल हो जाएंगे मुजीब जी आपके ये गेंदबाजी। लगातार तीनों विकेट बाउंड आउट के रूप पर, अपनी ओवर के तीसरी, चौथी और पांचवी गेंद पर तीन ऐसे खिलाड़ियों को लपके यहां पर शाहनवाज, मुबीन और फाजिल के विकेट यहां पर लपक चुके हैं मुजीब। शुरुआत की ओवर के समाप्ति के बाद रनों की संख्या केवल मात्र 3 रन। याद दिलाए आपने वो मैच जो सौहार्द ट्रॉफी 2021 देर लखट्टे में चले थे डीएफसी के प्रस्तुति पर, सेमीफाइनल की उस मैच पर यंग फ्रेंड्स सुरुआ के खिलाफ रिलवान जिस तरह से गेंदबाजी किए थे एनएम मैंगलोर के, हैट्रिक विकेट के साथ और एक विकेट भी, यानी कि 4 विकेट बाउंड आउट के रूप पर पाए थे उन्होंने। और मैं दोबारा दर्शकों को कह दूं आपकी यादगार के लिए, शायद आप नहीं जानते होंगे क्योंकि उन दिनों पर कैमरिक जालतान नहीं थे, टॉरपेडोस काना के हनीफ ऑफ स्टंप वाले एक ही विकेट पर लगातार 5 बाउंड आउट हुए, अंडरम क्रिकेट के सबसे बेहतर गेंदबाजों में दिखे थे उस जमाने में।